हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक डिज़ाइनर फेस मास्क लेकर आई हूँ जो कि क्रोशिया से बनाया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने स्किप नॉट बनाई है इसकी, उसके बाद 38 चेन बनानी है। ये मैंने 38 चेन बना ली है। अब एक चेन बना के सिंगल क्रोशेट करना है। इसी तरह हर चेन में सिंगल क्रोशेट करते जाना है, हर चेन में सिंगल क्रोशेट करा जाएगा। ये देखो, इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। एक चेन, स्टार्टिंग के 5 सिंगल क्रोशेट, एक दो तीन चार फिर 4 हाफ डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से, अब एक चेन स्किप करनी है, डबल क्रोशेट, अब ये 10 पफी स्टिच बनेंगे। एक
एक चैन स्किप करके अगली चेन से निकाल के डबल क्रोशेट करके ये पफ स्टिच एक बन जाएगा। इस तरीके से 10 बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये एक स्किप करना है, डबल क्रोशेट, फिर इसको इसमें से निकाल के एक पफ, ये दो बन गए। अब ये तीसरा, तीन बार लेना है इसमें ऐसे, ये तीन एक स्किप करके नेक्स्ट इसमें डबल क्रोशेट, कंप्लीट हो गए तीन। इसी तरीके से 10 पफ स्टिच बनाते जाएंगे। ये 9 पफ स्टिच बन गए हैं। अब 10वां बन रहा है। दो, ये तीन बार इसी में से फंदे को निकाल लेना है। ये हो गया 10 कंप्लीट हो गए पफ स्टिच। अब जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे इसी तरह इसमें भी एंड में ऐसे बनाने हैं। 4 डबल क्रोशेट, 4 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद 5 सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है। सिंगल चेन, अब 9 सिंगल क्रोशेट करने हैं। ये 9 हो गए सिंगल क्रोशेट।
अब पफी स्टिच के बीच में से दो बार सिंगल क्रोशेट बनाया जाएगा। ये देखिए ऐसे, एक, ये दो हो गए। फिर नेक्स्ट इनके सेंटर में से ये दो बार, एक दो बार, इसी तरह पूरे 10 स्टिचेस में से ऐसे दो बार बनाया जाएगा। ये हमें 9 स्टिचेस सिंगल क्रोशेट कर करने हैं, ये पूरी रो इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रही है, सिंगल चेन करके 5 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तीन, चार, 5। अब 4 डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, एक, दो, तीन और ये 4। अब 10 पफी स्टिच बनेंगे, जैसे कि पहले बनाए थे उसी तरीके से बनेंगे बिल्कुल। ये देखिए अब 10वें स्टिच पर आ गए हम। ये देखिए, इस तरह 10 स्टिच बनाते हुए इस लाइन को आगे बढ़ाना है। स्टार्टिंग की तरह ही इसमें 4 हाफ डबल क्रोशेट बनेंगे और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशेट बनेंगे, ये रो कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखिए, इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं सिंगल चेन बना के, जैसे कि हमने पहले बनाई थी उसी तरीके से ये बनाना है। 9 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं इसमें पहले। अब पफी स्टिच के सेंटर में से 2 बार सिंगल क्रोशेट लेने हैं। इस तरीके से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब लास्ट के 9 स्टिचेस सिंगल क्रोशेट करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरीके से पूरा मास्क कंप्लीट हो चुका है। इसकी साइड की डोरी बनानी है। ये देखिए, इसमें मैंने 25 चेन करी हैं। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कम ज़्यादा रख सकती हैं चेन। चेन बना के दूसरे हिस्से से इसे ज्वाइंट कर देते हैं। और ये पूरी लाइन इसी तरीके से बनाई जाएगी। किनारे की जरा सुंदरता लाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। देखिए, दूसरे किनारे को भी इसी तरह से बनाते हुए
कान की डोरी बनाई जाएगी। डोरी कंप्लीट हो गई है, इसे दूसरे वाले कोने से जॉइंट करके किनारी को बनाते हुए पूरा मास्क कंप्लीट हो गया। देखिए अब मास्क पूरी तरह कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।